खड़ा हूँ। ये ग्राम है भीरा और गन्ना विकास परिषद गुलरिया और चीनी मिल पलिया का ये गांव है, जिला है लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं, मिस्टर राजीव राजीव सर, कुमार शर्मा जी। और आपका भैया? और ये श्री किशन कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी कुछ बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ये नेचुरल फार्मिंग पे काफी जोर दे रहे हैं। और मेरा मकसद यही, थोड़ा मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई राजीव कुमार जी, जी जब मुझे जानकारी मिली कि आप जी थोड़ा नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, यानी जी कैसे कीटनाशी या कवकनाशी को कम किया जाए या केमिकल फर्टिलाइजर को, जी तो उसी पे आप अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए मेरे बैकग्राउंड में जो गन्ना आप देख रहे होंगे, काफी अच्छा गन्ना है। तो मैं अब देर नहीं लगाते हुए राजू कुमार से ही चर्चा कर लेता हूँ। राजू कुमार जी, कौन गन्ना है? 84-36 84-36 तो समाप्त हो गया था। नहीं, ये मैंने मेरे पास था शुरू से ही, मैंने रखा है इसको धीरे धीरे, और अब इसको मैं जो है ऑर्गेनिक पे लेके आया हूँ। ऑर्गेनिक पे लेके आया? जी, केमिकल में और ऑर्गेनिक में क्या चेंज किया आपने? केमिकल में क्या, मैंने केमिकल बिल्कुल बंद कर दिया जितना कितने भी, साल से? अच्छा ये लगभग मेरे को 6 साल से मैंने पहले ऑर्गेनिक इसको किया हल्के केमिकल के साथ में, और अब पिछले साल से मैंने केमिकल बिल्कुल बंद कर दिया, पिछले साल से बिल्कुल बिल्कुल केमिकल बंद बंद कर कर दिया। दिया तो इसको। जब मैंने आप 5 साल केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों लेके चला हूँ, क्या धीरे 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 घटाया? धीरे कम करता आया कितना हूँ। कितना घटाया? ये शुरुआत में मैंने इसको 50 किलो से सीधे 30 किलो पे ले आया था यूरिया की मात्रा को, अच्छा, और फिर पिछले साल इसको मैं 20 किलो से लेके चला हूँ, फिर और वो पिछले साल से बिल्कुल बंद कर दी, अच्छा, इस तरीके से कम किया। जब आपने इसको घटाया होगा डोज को, यूरिया को जी या जी जो जी 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 रासायनिक उर्वरक हैं, तो हाँ उसमें उत्पादन भी क्या उसी रेशियो में जी, घटा होगा? कितना परसेंट उत्पादन घटा नहीं, होगा? जब धीरे धीरे इसको कम किया गया था तो ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ अच्छा, उत्पादन। ज्यादा प्रभावित नहीं जी हुआ। तो ये जो आपका गन्ना लगा हुआ है, जी ये जी कौन सी गन्ना प्रजाति है? चौरासी ये 84-36 छत्तीस तो गन्ना काफी मोटा है ये। जी, अच्छा, तो 2 किलो का तो गन्ना होगा। हाँ तो ये लगभग इतना, कंप्लीट ऑर्गेनिक ही है? ये का ऑर्गेनिक ही है अच्छा, तो जी, ये कब का बोया है गन्ना? ये पिछले साल दिसंबर में बोया था। दिसंबर में? तो जी इसका जमाव जनवरी फरवरी में हो पाया होगा, जाहिर सी हाँ बात जी, है। धीरे धीरे जमा ही आया था। फरवरी में जमा, तो ये मान ले फरवरी का ही गन्ना होगा ये। तो दूरी कितनी रखी थी आपने? ये पिछली बार जो दूरी रखी थी वो 3.5 फुट थी, ट्रेंच से लगाया है, टेंच से साढ़े लगाया तीन था फीट पे जी, लगाया हुआ है। और सिंगल बट का है सिंगल बट से लगाया जी, था? सिंगल बट अच्छा, से सिंगल बट से लगाया था। जी। तो इसमें आपने जो आप कह रहे हैं प्रोसेस आपने किया, कि जो हमने नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती की तरफ जो आपने जी कदम जी बढ़ाया है, जी जी तो हमको उदाहरण के तौर पे इसी में बताइए कि आपने खेत की तैयारी किया, तैयारी के समय में क्या डाला इसमें? इसमें नीचे मैंने इसको पहले तो ऐसे ही जुताई करता ठीक रहा, है, फाइनल हाँ जुताई के समय इसमें करीब 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर डाला था, ठीक है, फिर उसमें अपना गन्ना बो दिया, अच्छा, फिर इसमें मैं 10 क्विंटल के हिसाब से 2 बार गोबर देता हूँ, कूंट कूंट, मतलब नाली नाली, कब कब? ये मतलब एक तो आप जैसे पानी लगाऊंगा नहीं, जैसे आपने जी, बुआई के समय, बुआई से पहले 25 क्विंटल समय पहले डाल खेत दिया में, 25 क्विंटल फिर नीचे आपने गन्ना बो दिया, जी, उसके बाद अंकुरित होने के कितने दिन बाद वो दस लगभग आप क्विंटल मान के चले 2 महीने बाद, दो जब उसको महीने पानी बाद लगा। पूरा काम, यानी 2 महीने में कंप्लीट जर्मिनेशन हो जी जाता है, जी अंकुरण जी हो जाता है, जी कूड़ों में डाल देते हैं, जी एकड़ में कितना गोबर डालते ये हैं? लगभग 10 क्विंटल, वो कितना सड़ा हो, कितने पुराना हो? ये जितना पुराना हो उतना बेटर है, अच्छा, यानी मैं सड़ा तो हो इसको कम। गड्ढे में सड़ाते हूँ अच्छा, गड्ढे में सड़ाते हैं। जी तो वो एक तो आपने 2 महीने पर डाला, फिर जी फिर उसके बाद में उधर इसको 2 महीने बाद फिर डाल देता हूँ, 2 महीने बाद फिर फिर डालते डाल हैं, देता हूँ, और उसके बाद में मेरा फिर स्प्रे का चालू हो जाता है, स्प्रे में जैसे तो गौमूत्र यानी हुआ एक 60 दिन पे और एक 120 दिन पे, जी, फिर फिर 120 दिन के बाद फिर स्प्रे चालू कर देते किस हैं चीज का, ये अपने गौमूत्र, वो कैसे तैयार करते हो? उसके अंदर मैं गोट डालता हूँ कितना कितने एक लीटर करके पानी में? हमको फार्मूला बताइए, जी, कितने लीटर? जैसे 100 लीटर अगर पानी, एक एकड़ में कितना पानी मैं तैयार दो किया? सौ लीटर 200 लगाता हूँ लीटर में जी, क्या-क्या डालते हैं आप? 200 लीटर में 20 लीटर गौमूत्र रहता है मेरा, अच्छा, और उसमें 10 किलो गोबर 10 किलो गोबर, जी, ठीक है, और उसमें 2 किलो गुड़, 2 किलो गुड़, ठीक और है, लगभग 1 से 1.5 किलो बेसन, ठीक है। तो ये सब, और और इसमें बाकी कोई दाल वगैरह जो भी बेकार की पड़ी अच्छा हो पड़ जाए, वो डाल दी तो जाती ये है, सब सारा इकट्ठा डाल देते हो ये या? नहीं, इसको पहले घोल बना के रख लिया जाता है छाया में, हाँ जब ये कायदे से सड़ जाता है हाँ फिर इसको फिल्टर करके और पानी की मात्रा बढ़ा के स्प्रे करता हूँ। तो एक ये कितने लीटर पानी उससे तैयार हो जाता है स्प्रे करने के लिए 1 एकड़ में? मैं उसमें से निकालता हूँ लगभग वही 30-40 लीटर पानी मेरा वो बना हुआ हो जाता है, अच्छा उसमें बाकी पानी डाल के 200 लीटर लगभग की मैं स्प्रे करता हूँ अच्छा उसमें जो जी होगा उसमें पानी मिला लेते जी हैं जी तैयार जी में। अच्छा अलग से मिलाता हूँ, फिर अच्छा इसके तो ये कितनी बार स्प्रे करते हैं, ये मैं स्प्रे 3 बार करता हूँ यानी वो जो 60 दिन, 120 दिन, उसके उसके बाद बाद, उसके बाद में तो क्योंकि फिर गोबर का काम खत्म तीन हो जाता है। जैसे 120 दिन के बाद जी आपने वो कर दिया, वो जी जी जो आपने बताया था गोबर डाला 10 क्विंटल दो जी बार जी में, फिर जी 120 दिन के कितने दिन बाद वो स्प्रे करते हो? लगभग वही 15-20 दिन का गैप, 15 दिन के अंतर इसके पे, बाद फिर चालू कर देते हैं 15 दिन में एक किया, फिर जी, अगला फिर वाला? ये मेरी स्प्रे चलती है आपकी अगस्त लास्ट तक या नहीं सितंबर नहीं के फर्स्ट आप वीक तक, कितनी स्प्रे करते हैं? 3 स्प्रे करता हूँ 3 स्प्रे किया, जी तो आपने तो एक तो 120 दिन का करना हो गया, उसके जी 15 दिन बाद किया, फिर हाँ फिर जी, फिर
फिर ऐसे महीने भर का अंतर कर लिया, 25 दिन का कर लिया। अच्छा, इसी अंतरों पे स्प्रे अगस्त तक करते हैं ये मेरी सितंबर पहला वीक भी कभी कभी हो जाता है और कभी अगस्त लगा। संख्या बढ़ानी पड़ती होगी स्प्रे की? जी, पानी की मात्रा तो बढ़ती रहती है फिर, क्योंकि गन्ना जब हाइट लेता है तो उतनी पानी की मात्रा लगानी पड़ती है। स्प्रे भी तो संख्या बढ़ जाती है? हाँ जी, वो भी बढ़ता जाता, 3 से ज्यादा स्प्रे। जी जी जी। अच्छा, तो अब आप बताइए, आप इस तरीके से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती जिसको कहते हैं, जैविक खेती जो भी बोले, तो ये गन्ना इतना अच्छा है भाई जी, गन्ने की मोटाई तो काफी अच्छी है। अच्छा ये बताइए, ये तो आपने ये बताया, एक महत्वपूर्ण चीज रह गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, गन्ना मीठा है जी, कीट कैसे रोकते हैं? अब कीट के लिए थोड़ा सा फार्मूला बनाया है, क्योंकि गन्ने में कीट भी तो लगता जी, है। जी लगता है, तो ये कैसे नियंत्रण करते हैं? हालांकि ज्यादा लगा नहीं है आपका जी, इसमें कहीं दिखा नहीं जी जी जी, तो क्या माने? इसके लिए ऐसा किया गया था कि एक तो मैं वो ले आया था आपका, ये नीम ऑयल ही मिलता। अच्छा, नीम ऑयल मिलता है? मिलता ही है, वो ऑर्गेनिक में ही है। अच्छा, तो वो ले लिया था, और कुछ मैंने ये अपना कनेर की पत्ती, अच्छा जी, और ये अपना इसको हम तो यहाँ बोलते हैं अकौड़ा, मदार जिसको बोलते हैं, हाँ जी, हाँ। वो ले लेता हूँ, और उसके बीच में थोड़ा ये खाने वाला तंबाकू ये डाल दिया करता हूँ, एकड़ पे लगभग आधा किलो। अच्छा, और तो ये अपने मटेरियल तैयार करते हैं क्या? हाँ जी, इसको भी ऐसे सड़ाता हूँ। कैसे सड़ाते? इसको भी किसी बर्तन में क्या क्या डालते हैं उसमें? उसमें मैंने आपसे बताया ना, ये मदार, ये लगभग पानी में, ये लीटर के लिए, एक एकड़ के लिए मैं बता रहा हूँ, लगभग 3 किलो मदार की पत्ती होती है अंदाज में। हाँ। और लगभग 2-2.5 किलो ये कनेर की पत्ती, ठीक है, ये होती है, और उसमें आधा किलो यही खाने वाला तंबाकू, ठीक है, ये डाल देता हूँ, और लगभग आधा किलो ये हरी मिर्च, हाँ, ये डाल देता हूँ। अच्छा, हरी मिर्च को कूट लिया जाता है, वो उसमें डाल दीजिए। ये फिलहाल तो मैं 4 मटेरियल, ये होगा इतना मटेरियल तैयार हो जाता है, ये एकड़ भर का बताया आपसे, एकड़ भर का जी, एकड़ भर में अच्छा काम करता है। फिल्टर करते हो या तो कितना पानी निकल आता है वो? ये इसमें मैं इसको 20 लीटर की बाल्टी में भिगोता हूँ, इतने मटेरियल को 20-25 लीटर पानी में, और इसको जब फिल्टर करता हूँ तो ये थोड़ा 5-4 लीटर कम ही निकलता है, 15 लीटर निकला जी जी, वो 15 लीटर फिर आप 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी में मिला के, और कितनी बार स्प्रे करते हैं? ये मैंने इस बार तो दिया था 3 बारी वो स्प्रे दिया था इसको, तो 3 बार तैयार करते हैं या वही मटेरियल काम कर जाता है? नहीं, ज्यादा मात्रा में तैयार कर लेते हैं तो वही चलता रहता, नहीं फिर वो खत्म हुआ तो दूसरा। हर बार 15 लीटर की जरूरत पड़ेगी तो 3-4 स्प्रे करेंगे। जी जी जी। तो देखिए बेहतरीन जानकारी दिया राजीव शर्मा जी ने, और ये 84-36 गन्ना है, और देखिए क्या बेहतरीन गन्ना खड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा गन्ना है, और ये 84-36 चूंकि गन्ना प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई थी, तो आप जैसे लोगों के यहाँ दिख रहे हैं नेचुरल फार्मिंग से, और काफी अच्छा गन्ना है, देख लीजिए आप, बहुत अच्छा गन्ना है, वजन भी काफी अच्छा, 2 किलो होगा करीब, इतना तो होगा। तो कितना उत्पादन इसमें? ये लगभग 5-550, ये 5-550 कुंतल, देखिए नेचुरल फार्मिंग से ही ले पा रहे हैं राजू कुमार जी, और अच्छा है, एक जिस तरीके से कीटनाशी का प्रयोग लोग कर करके 238 को लगभग समाप्त कर, वो समाप्त इसी में हुआ, हाँ इसी में समाप्त हुआ, ज्यादा उसके केमिकल जो यूज हुआ, और इस तरीके से अगर आप ये खेती करेंगे तो एक तो जो हमारे केचुआ वगैरह है मित्र की, वो भी इसमें काफी विकसित हो जाएंगे। नहीं, इस चीज का मैंने देखा है, अब बरसात के टाइम पे केचुआ इतना होता है कि आप खेत के अंदर चल नहीं सकते। वही मैं कह रहा हूँ कि, और जिसमें ज्यादा कीटनाशी वगैरह प्रयोग होते हैं, यूरिया वगैरह, तो वहाँ केचुआ नहीं दिखेंगे, वहाँ इतना नहीं होता, और केचुआ तो किसान का मित्र कहा जाता है एक तरीके से, वो जैसे कल्टीवेटर की तरह जुताई कर देता जी। है। चलिए बहुत अच्छा लगा राजू कुमार जी, आपने अच्छा वो दिखाया, बेहतरीन गन्ना है, 84-36 है, देखिए मोटा काफी गन्ना है, और ये प्राकृतिक खेती से ही तैयार हुआ है, बहुत अच्छा लगा भाई राजू कुमार जी, ठीक है, नमस्कार।